कभी व्हाइट पेड़ देखे हैं आपने? तो आज हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं एडिमा में, जो कि है जापान से। सो ये प्रीमेच्योर सोयाबीन होता है एंड ये आप रॉ भी खा सकते हो उसको डीप फ्रॉस करके। एंड ये फ्रेश मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिर्फ जापान में ही मिलता है, वो भी सिर्फ सीजन में, अदरवाइज हमेशा फ्रोजन ही मिलता है। तो आज हमने सोचा कि इसमें से थोड़ा एडिमा में हम रोस्ट करके खाते हैं एंड विल ट्राई। ऑलरेडी मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसने आशी ने पहले कभी ट्राई नहीं किया। आज है वेंसडे और आज भी बर्फ गिर रहा है, अब ये रुकने नहीं वाला मार्च तक, मार्च के एंड तक एक्चुअली। बजे हैं शाम के 5:30 और अभी मैं घर वापस आया हूँ। आज का मौसम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। काफ़ी सारा स्नो गिरा, फिर काफ़ी सारा फॉग आया, फिर सूरज आया एंड अभी सारे पेड़ इतने वाइट वाइट हो गए ना ऐसा लग नहीं रहा कि झड़ गए हैं पत्ते। तो ऑटम के बाद काफ़ी बार ऐसा लगता था कि पूरे पत्ते झड़ गए हैं एंड द ट्रीज आर डेड, बट आज के दिन क्योंकि इतना सारा स्नो गिरा है सारे ट्रीज वाइट कलर के हो गए एंड इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ। होपफुली कल के दिन हम और बेटर कैप्चर कर पाएंगे ये सब। ये क्या बन रहा है सुबह सुबह? नाश्ता, ब्रेकफास्ट, नाश्ता ही बोलते हैं ना। वाह, ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? इसका नाम बोलते हैं जब ऐसा सवाल पूछते हैं। इसका नाम है बोरी बोरी का उठना। पूछ रही है या बता रही है? माया, माया, हेलो। तो इतनी बर्फ गिर चुकी है, आप हाइट देख सकते हैं यहाँ पे कितने हाइट का बर्फ गिरा है, वो मेरे हाथ के साइज का होगा। तो ये रहा वो ब्रेकफास्ट जिसका नाम आरशी पूछती है बताती नहीं है। सो आज का टेम्परेचर है -9°C। तो आज ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन सब कुछ बहुत ज्यादा वाइट भी है, तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा। कभी वाइट पेड़ देखे हैं आपने? ये देखे, ऐसा लग नहीं रहा कि इनके पत्ते झड़ गए, ऐसा लग रहा है कि इनके वाइट पत्ते हैं। इतना प्यारा है सब कुछ, चमक रहा है स्नो लिटरली।
माया सिट, कम सिट, सिट माया, गुड माया, माया हाई फाइव माया। देखिए अभी अभी आके कोई स्नो हटा के गया है हर जगह रास्तों में। ऐसे ही मेंटेन करते हैं रोड्स को यहाँ पे। और देखिए कितना सारा स्नो बाजू में कर दिया है इन लोगों ने। मौसम दो दिन इतना अमेजिंग होने के कारण हमने हमारा हेलसिंकी वाला प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि हेलसिंकी में ना स्नो रुकता नहीं है, तो अनलेस बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल आए, हेलसिंकी काफ़ी गंदा लगता है इतने कम स्नो में। तो हमने सोचा स्नो इतना फ्रेश है, इतना अच्छा लग रहा है, तो घर के आसपास ही एंजॉय कर लेते हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने सुपरमार्केट से। छोटी सी टाइप का इलेक्शन चालू हुआ है फिलहाल, तो उनसे रिलेटेड कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन, उनके नंबर्स, अलग अलग सी चीज़ें। थोड़ा कुछ इंग्लिश में होता तो पढ़ लेते, बट सब फिनिश में लेते। देखिए इतना स्नो गिर गया है, इतनी पतली पतली टहनियों पे भी इतना ज़्यादा स्नो जमा हो चुका है, एंड अभी गिर ही रहा है स्नो, इट्स नॉट स्टॉपिंग।